वेलकम बैक गाइस। लास्ट वीडियो का मैथ्स अभी तक मैं क्लियर भी नहीं कर पाया था एंड एक नया स्मार्टफोन डिलीवर हो गया है। हमें इस फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी चेक करनी है। हमने अराउंड 155 प्लस स्मार्टफोन्स ट्राई किए हैं बट हमने आज तक लावा का फ़ोन फाइंड नहीं किया। दैट्स वाई मेरे लिए तो काफ़ी एक्साइटिंग है एंड ये है लावा Z6 प्राउडली इंडियन। बाय द वे लावा Z6, Z4, Z2 अगर आप तीनों स्मार्टफोन लेते हैं तो ड्यूरेबिलिटी और कंस्ट्रक्शन के टर्म में सभी को सिमिलर है बिकॉज जस्ट कैमरा और प्रोसेसर का मैनिपुलेशन है, अदरवाइज डिस्प्ले साइज एंड ऑल थिंग्स सभी चीज़ सेम है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फ़ोन कैसा है। एंड मुझे ये थोड़ा सा फैमिलियर सा लग रहा है, कुछ आपको समझ में आया? लेट्स सी। तो पॉलीकार्बोनेट में जनरली जितने भी स्टिकर्स और टेक्स्ट होते हैं वो बाहर से लगाए जाते हैं, अदरवाइज और कोई चॉइस नहीं होता है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। प्लास्टिक एवरीवेयर क्योंकि ये यूनिबॉडी बैक पैनल है। बटन काफ़ी टाइट हैं और बाहर नहीं आ रहे हैं। सिमिलर कंस्ट्रक्शन है जैसा कि यहाँ बैक पैनल पे है, प्लास्टिक का है। सिम ट्रे के अराउंड कोई भी गैस्केट प्रोटेक्शन नहीं है। एक्सीडेंटली अगर आप सिम ट्रे को रॉन्ग साइड से लगा देते हैं या आपका सिम ट्रे मुड़ जाता है तो उस केस में यहाँ पे एज सच कोई इंस्टेंट डैमेज नज़र नहीं आ रहा। आसानी से फिक्स भी हो जाएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत फास्ट तो नहीं है, इससे फास्ट आपको इस प्राइस में मिल जाएगा। अभी भी अनलॉक प्रॉपरली हो रहा है। नया फिंगरप्रिंट भी आसानी से रजिस्टर हो जा रहा है। अनलॉकिंग भी प्रॉपरली हो रही है बट काफ़ी स्लो है। एंड आई होप ये प्लास्टिक का होना चाहिए जो फ्रेम इसका है, और ये एक्चुअली ब्लैक प्लास्टिक है जो कि काफ़ी अच्छी है। जनरली आप देखें होंगे अदर कंपनीज में कोई सिल्वर पेंट जॉब नहीं दिया गया है। चूँकि प्लास्टिक का ब्लैक पैनल है इसलिए LED का यहाँ पर सेपरेट कटआउट दिया जाएगा। इस पर स्क्रैच भी ले जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये एक हार्ड प्लास्टिक है, डैमेज होने के बाद भी फंक्शनलिटी भी कोई इशू नहीं होती बट आपके फ़ोन के रीसेल वैल्यू में शायद फ़र्क पड़ जाए। ग्लास की क्वालिटी कैसे यूज़ की गई है डिस्प्ले और रियर कैमरे में वो भी हम चेक करते हैं। यूजिंग मोस्ट स्केल्स ऑफ हार्डनेस से डिफरेंट न्यूटन्स लोड के फोर्स लगाते हैं, देखते हैं स्क्रीन कैसे रिएक्ट करती है। यहाँ पर कंपनी ने कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन यूज़ की गई है जैसा कंपनी ने क्लेम किया है। अगर हम स्क्रैच का पैटर्न देखें तो कम्प्लीटली वैसा ही है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया है। लेवल 5 तक यहाँ पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ रहे हैं। लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर हैं, 7 पे स्क्रैचेस और बढ़ गए हैं और लेवल 8 पे काफ़ी डीप स्क्रैचेस पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बेसिक आइटम्स जो आप एवरीडे कैरी करते हैं लाइक कीज एंड क्वाइंस या कोई भी शार्प मेटल ऑब्जेक्ट अगर आपके फ़ोन के स्क्रीन के कॉन्टेक्ट में आता है तो वहाँ पर कोई भी स्क्रैच नहीं पड़ेगा। कुछ अदर कॉमन आइटम्स लाइक ग्लास के पार्टिकल वो भी आपके डिस्प्ले को स्क्रैच नहीं कर पाएंगे लेकिन डस्ट एंड सैंड से आपके डिस्प्ले पे बहुत ही आसानी से स्क्रैच पड़ सकता है। और अगर हम रियर कैमरे की बात करें तो यहाँ पे भी सिमिलर पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। लेवल 6 पे माइनर स्क्रैचेस हैं और लेवल 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम प्रोटेक्शन यूज़ किया हुआ जो आपके फ्रंट डिस्प्ले पे, यानी कि ये भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 से प्रोटेक्टेड है। ऑलराइट गाइस, चलिए अब हम एक कैजुअल सा स्प्लैश टेस्ट परफॉर्म करते हैं इस फ़ोन पे। अब चूंकि इस फ़ोन में कोई भी गैस्केट प्रोटेक्शन नहीं लगी हुई है फिर भी हम देखते हैं क्या कुछ मिनट तक फ़ोन को पानी में रखने से कुछ डैमेज होता है कि नहीं होता है। अराउंड 3 मिनट्स तक हम स्प्लैश टेस्ट करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। लेट्स सी, आई थिंक काफ़ी पानी है। यस, काफ़ी ज़्यादा पानी निकल रहा है फ़ोन से। तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी यहाँ पे आपको अंदर दिख रहा है, यानी कि जो ये कैमरे के अराउंड से जो पानी अंदर आया है प्लस जो स्पीकर के अराउंड से थोड़ा सा पानी यहाँ पे आ चुका है। लेट्स सी क्विकली क्या फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। सो फॉर सभी चीज़ें तो मुझे एज ऑफ नाउ वर्किंग दिखाई पड़ रही हैं। यस, डिस्प्ले भी कुछ ऐसा नज़र नहीं आया है कि वहाँ पर कुछ पिक्सल्स जा रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आनी होगी तो कुछ घंटों में आ जाएगी, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। एंड ये सभी पोर्ट्स जैसे ही ड्राई होते हैं अपने आप वर्क करने लगेंगे, लेकिन अभी भी वर्क कर रहा है। जैसे हम इसको निकालते हैं एंड लगाते हैं यहाँ पे हेडफोन जैक आ जा रहा है। अबाउट द चार्जिंग,
एंड चार्जिंग भी प्रॉपरली वर्क कर रही है, 51% चार्जिंग। कैमरा भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। लेट्स सी क्या फ़ोन बेन टेस्ट में फेल होता नहीं होता है। वेल, माइक्रोमैक्स का फ़ोन तो काफ़ी बुरी तरीके से फेल हुआ था। हाउ अबाउट लावा मोबाइल, चलिए स्क्रीन साइड से बैन करते हैं। एंड 3, 2, 1, फ़ोन का जो बैक पैनल है वो बाहर तो आ जा रहा है और काफ़ी यहाँ पे देखेंगे गैप भी क्रिएट हो गया है, बट गुड थिंग क्या है कि एज सच कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। हल्का सा यहाँ पे फ्लेक्स आ गया फ़ोन में, क्योंकि मेटल होता है तो परमानेंटली वो शेप चेंज कर देता है। नो प्रॉब्लम, फ़ोन अभी भी वर्किंग है, टच एंड एवरीथिंग वर्किंग है। लेट्स सी रियर साइड से बैन करते हैं, क्या अब कुछ प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती है। एंड जो बैंड है वो फिक्स हो चुका है, बट फोन अभी भी वर्किंग है, नो सच प्रॉब्लम। एटलीस्ट काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल निकला माइक्रोमैक्स इन नोट 1 से। इन द कंस्ट्रक्शन समरी, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था इस प्राइस में ऑब्वियसली आपको वैसा ही मिल रहा है। अंडर 10K का फ़ोन है, छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट बस ये लग रही है कि यहाँ पे कोई भी बेसिक सा भी वाटर प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। बाकी ड्रॉप के टर्म्स में ये कितना अच्छा है वो तो हम ड्रॉप टेस्ट करेंगे, बॉक्स में जो केस दिया गया उसके साथ भी एंड विदाउट केस भी ट्राई करते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।